दोस्त को बचाने के चक्कर में रामगंगा में नहाने गया कक्षा 12 का छात्र डूबा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अपने दोस्तों के साथ रामगंगा नदी में नहाने के लिए गया, अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में रामगंगा नदी में डूब गया। डूबने वाला छात्र केशव पिता काके दिवाकर उम्र 16 वर्ष कक्षा 12 का छात्र था और कल छात्र का जन्मदिन भी था। ये चार दोस्त लगभग 5 बजे रामगंगा में नहाने के लिए उतरे थे। थाना कटघर के इंस्पेक्टर राम प्रसाद शर्मा जी को किसी ने फोन के जरिए सूचना दी तो तुरंत उन्होंने गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज नीरज पाल सिंह को सूचना दी। उसके बाद तुरंत थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज पूरी फोर्स के साथ रामगंगा नदी पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने अपने आला अधिकारियों के साथ बात कर गोताखोर और SDRF की टीम को बुला लिया और सुबह 5 बजे से गोताखोरों ने और SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जब हमारी टीम ने टीम के प्रभारी करमवीर सिंह प्रजापति से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी टीम में 12 लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जिनके नाम अजय सिंह, प्रदीप सिंह, रजत शुक्ला, विकास यादव, सतीश प्रजापति, नीरज कुमार, प्रदीप विश्वकर्मा, रजनीश सिंह, गजेंद्र मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, अमित मिश्रा के साथ पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारी टीम का सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ढूंढने का प्रयास जारी है, मगर अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। जब हमारी टीम ने केशव के पिता काके दिवाकर से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कल शाम 4 बजे अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था और उसके कुछ देर बाद मुझे सूचना मिली कि आपका बेटा केशव रामगंगा नदी में डूब गया है। तभी हम सब मौके पर पहुंचे और काफी ढूंढने का प्रयास किया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम SI करमवीर सिंह है। अच्छा, कौन सी यहाँ टीम लगाई गई है आपकी? SDRF की टीम है लखनऊ से। अच्छा, कितना समय हो गया रेस्क्यू चलाते हुए? और क्या हमने यहाँ 5:30 बजे जारी कर दिया है। कितने लोग आपकी टीम में लगे हुए? हमारी टीम में 12 आदमी हैं। तो अभी कोई सफलता मिल पाई है? नहीं नहीं, हम लोग 5-6 किलोमीटर दूर तक देख आए हैं, लेकिन क्योंकि पानी की जो है बढ़ गई है मात्रा और बहाव भी ज़्यादा तेज है, इसलिए अभी और लंबा देखने की आवश्यकता है। अच्छा, बच्चे के परिवार वालों से आपकी बात हुई है, क्या बताया? हाँ, बच्चे के परिवार वालों से बात हुई है। बच्चे के परिवार भी यहीं पे हैं, उनसे बात हुई है। कल की घटना है, तो हमें कल सूचना मिली। हमारी टीम जो है सुबह इसलिए अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई।